Hello everyone, welcome to PhD Jobs and Admissions. This is Ankita, Sood and students. आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं सो so, इस वीडियो को आप लोग इन तक जरूर देखिएगा यहाँ पे इन फिफ्टीन क्वेश्चन की हेल्प से मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो की एग्जाम में आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे

तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं इसका फाइनल रिवीजन पैकेज सो ये रिवीजन पैकेज आपके इस फाइनल वीक में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पैकेज हम लोगों ने आपके लिए बनाया है सो so दैट आप लोग अच्छे से तैयारी कर सको इसमें हम आपको देते हैं फुल सिलेबस शॉर्ट नोट्स ये शॉर्ट नोट्स को हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके भी प्रेजेंट किया है ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ भी सको एंड एग्जामिनेशन टाइम पे उनको इजीली रिकॉल भी कर सको साथ ही हम आपको देते हैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट यानी कि रिसर्च मैथडोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी पे हम आपको सेपरेट मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं साथ ही हम आपको देते हैं 1500 प्लस एमसीक्यू सीरीज ये रिवीजन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इन 1500 हंड्रेड एम सी क्यू सीरीज में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को कवर किया है एंड इसके साथ ही हमारे प्रीवियस बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनका हमें ये फीडबैक आया है कि हमारे इसी कंटेंट से एग्जाम में एज इट इज थर्टी टू फोर्टी परसेंट क्वेश्चन पूछे गए थे एंड उसी के बेसिस पे उन लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है एंड आज वो अपना पी का ड्रीम पूरा कर रहे हैं कंप्लीट कोर्स की फी है सिर्फ और सिर्फ फाइव डबल नाइन सो इसको ज्वाइन करने के लिए आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हो एंड साथ ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन है विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च सो यहां पे हम लोग बेसिक क्वेश्चन एडवांस टॉपिक्स पे जाएंगे ठीक है एंड अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए एक नोटबुक में एंड लास्ट में आपने कितना स्कोर किया है वो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा सो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में टू टू थ्री क्वेश्चन ठीक है सो ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पहला ऑप्शन है टू रिव्यू द लिटरेचर यानी कि जो भी साहित्य है उसको अच्छे से समझना उसको रिव्यू करना टू समराइज व्हाट इज ऑलरेडी नोन ठीक है जिस चीज़ के बारे में हमें पता है उस चीज़ की समरी करना यानी कि संक्षेप में उसके बारे में जानना टू गेट एन अकेडमिक डिग्री यानी कि जो डिग्री हम चाहते हैं सिर्फ उसी के लिए क्या हम रिसर्च करते हैं एंड लास्ट ऑप्शन है टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू मेक फ्रेश इंटरप्रटेशन ऑफ न्यू फैक्ट्स ठीक है कि नए फैक्ट्स को ढूंढना एंड उसके लिए कोई फ्रेश इंटरप्रटेशन लेना यानी कि कोई नई व्याख्या करना नए तथ्यों को उसमें लेकर चलना ठीक right है सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर कि रिसर्च का मतलब क्या होता है कोई हमारे पास प्रॉब्लम है ठीक है जिसका आंसर हमें नहीं पता जिसका सॉल्यूशन हमें नहीं पता तो उसको ढूंढने के लिए नए फैक्ट्स को डिस्कवर करना एंड कोई नई इंटरप्रिटेशन को लेकर चलना नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च क्या है शोध क्या है सो वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम यानी कि किसी प्रॉब्लम के सच्चाई को ढूंढना सर्चिंग अगेन एंड अगेन यानी कि किसी चीज को बार बार ढूंढना फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढना या फिर नन ऑफ दी अब सो so, इस तरह के क्वेश्चन में मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि ये तीनों ऑप्शंस कहीं ना कहीं ठीक है तो यही एग्जाम में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जहाँ पे सभी ऑप्शंस करेक्ट लगने लगे तो हमें क्या स्टेप लेना चाहिए तो इसका राइट right आंसर पहले बताती हूं वो है ऑप्शन नंबर वन तो रिसर्च एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम लोग किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं ठीक है एक साइंटिफिक मेथड है साइंटिफिक की जगह लिखा जा सकता है कि एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है ठीक है इसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है एक प्रॉपर फॉर्मेट हमें फॉलो करना होता है ठीक है सो इस तरह के क्वेश्चन में आपको याद रखना है जो मोस्ट आप लोगों को लगे कि पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है आपने उसी को सेलेक्ट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमन टेस्ट इन रिसर्च डिमांड्स मच प्रायोरिटी ऑन सो रिसर्च का जो कॉमन टेस्ट होता है उसमें ज्यादा प्रायोरिटी यानी कि ज्यादा प्राथमिकता किसको दी जाती है ऑब्जेक्टिविटी यूजेबिलिटी रिलायबिलिटी ऑल ऑफ दी अब सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर दैट इज ऑल ऑफ दी अब तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए उसका यूजेबिलिटी वो आगे आने वाले समय में हमें यूज भी हो रिलायबल होना चाहिए विश्वसनीय होना चाहिए तो ये तीनों चीजें एक रिसर्च में होना बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च सो नॉट पे फोकस रखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पर ध्यान नहीं देते एंड क्वेश्चन गलत हो जाता है ठीक है सिस्टमैटिक मैंने अभी बताया कि रिसर्च एक स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक प्रोसेस है रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया लॉजिकल होना होना चाहिए तार्किक होना चाहिए यानी कि या फिर पर्सपेक्टिव होना चाहिए ठीक है परिप्रक्ष होना चाहिए so, यहाँ पे राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर फोर तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए रिसर्च में लॉजिकल का मतलब है कि जो भी हम काम कर रहे हैं रिसर्च में वो लॉजिक कहीं ना कहीं होने चाहिए ऐसा नहीं है कि विदाउट लॉजिक हम लोग बस काम करना शुरू कर रहे हैं ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है है ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज करेक्ट करेक्ट तो ढूंढनी डिस्कवरीज आर रिसर्च सो जो डिस्कवरी होती है उन्हीं को रिसर्च बोलते हैं लीड टू डिस्कवरी यानी कि हम कोई रिसर्च करते हैं उसी से हम कोई नई डिस्कवरी कर सकते हैं शोध से खोज होती है इधर बोला गया है खोज ही शोध है इन्वेंशन एंड रिसर्च आर रिलेटेड यानी कि आविष्कार और अनुसंधान दोनों एक दूसरे से संबंधित है या फिर नन ऑफ दी बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत इजी बेसिक डेफिनेशन है तो राइट right आंसर है डिस्कवरी जो होती है ये ही रिसर्चेस होती हैं खोज ही शोध होता है रिसर्च की बेसिक डेफिनेशन है फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताई है आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एडवांसिंग नॉलेज द लेटेस्ट स्ट्रेटेजी यूज बाय द मैन इज So, अपने नॉलेज का जो एडवांस लेवल हमें चाहिए तो लेटेस्ट स्ट्रैटेजी जो है एक पर्सन यूज करता है वो क्या होनी चाहिए कंसल्टिंग एंड अथॉरिटी किसी प्राधिकरण से सलाह लेना डिडक्टिव थिंकिंग साइंटिफिक थिंकिंग या फिर इंडक्टिव थिंकिंग तो राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री दैट इज साइंटिफिक थिंकिंग तो साइंटिस्ट क्या करते हैं न्यू डिस्कवरीज करते हैं एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं तो साइंटिफिक थिंकिंग के लिए हमेशा हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का यूज करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जहां भी यूज होगा तो वहां पे हम लोग नई स्ट्रेटेजीज को यूज करके कोई नए उपयोग को यूज करके अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप फोकस ऑन द प्रिवेलिंग सिचुएशन यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रकार प्रचलित परिस्थितियों को सुधारने पर केंद्रित है फंडामेंटल रिसर्च जिसको कि हम लोग बेसिक या फिर प्योर रिसर्च बोलते हैं अप्लाइड अप्लाइड रिसर्च, रिसर्च, एक्शन एक्शन ठीक है? और जो है, वो फंडामेंटल पर भी बेस्ड होते हैं एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी कि प्रायोगिक रिसर्च सो so, इसका राइट right आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर थ्री दैट इज एक्शन रिसर्च ठीक है सो ये रिसर्च का एक ऐसा टाइप है जो कि फोकस करता है एमिल्यूरेटिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशन ठीक है यानी कि जो प्रचलित परिस्थितियाँ हैं परिस्थितियाँ हैं उनको सुधारने में ये हमें हेल्प करता है सो एक्शन रिसर्च होता है जहाँ पर हम लोगों को इमीडिएट एक्शन लेना है जैसे कि मान लीजिए स्कूल है हॉस्पिटल है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई ठीक है हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम होगी इमीडिएट हम लोगों को उसका सॉल्यूशन ढूंढना है हम लोग किसी अथॉरिटी या सीनियर्स का वेट नहीं कर सकते इमीडिएटली सॉल्यूशन लेना है तो वहां पे हम एक्शन रिसर्च का यूज़ करते हैं ये जितने भी टाइप्स हैं मैं यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें हमने थियोरी लेक्चर्स में एक्सप्लेन की है आप लोग उन वीडियो लेक्चर सीरीज को जो है फॉलो कर सकते हो वो गारंटीड नोट्स हैं गारंटीड लेक्चर्स हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ मैथडोलॉजी ऑफ रिसर्च इज रिक्वायर्ड इन ठीक है सो डिटेल डिस्क्रिप्शन जो होता है रिसर्च मैथडोलॉजी का वो किस में बताया जाता है थीसिस डिसर्टेशन में सिंपोजियम वर्कशॉप में सेमिनार पेपर आर्टिकल में या फिर कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार पेपर्स में ठीक है so, सो ये जितने भी टॉपिक्स है ना ये सब आपको पता होने चाहिए टू टू थ्री क्वेश्चन आते हैं कि थीसिस और डिसर्टेशन क्या होता है सिंपोजियम और वर्कशॉप क्या होता है सेमिनार पेपर आर्टिकल क्या होता है कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार पेपर्स क्या होते हैं सो so, इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर वन दैट इज थीसिस एंड डिसर्टेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्रिटिकल फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च ठीक है सो क्वालिटेटिव रिसर्च का क्रिटिकल फीचर कौन सा नहीं है नॉट पे फोकस रखिएगा एक्चुअल सेटिंग पिक्चर सो वर्ड और पिक्चर की फॉर्म so में जो भी डेटा लिया जाता है वो है सीकिंग टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप एम मेजर्ड सोशल फैक्ट्स तो सोशल फैक्ट्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप होता है उसको एस्टैब्लिश करना ठीक है उसको मापना रिसर्च बिकम्स इमेंज इन द सिचुएशन प्रेजेंट और पास्ट रिलेटेड टू द फिनोमिना ठीक है सो घटना से संबंधित स्थिति वर्तमान या अतीत के शोध में डिपेंडेंट होती है तो so यहाँ पे राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री दैट इज मापा सामाजिक तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने की मांग ये जो है ये क्वालिटेटिव रिसर्च का एक क्रिटिकल फीचर नहीं है बाकी तीनों इसके फीचर्स हैं ठीक है थीके? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डूइंग एक्शन रिसर्च व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स सो एक्शन रिसर्च में यूजुअल सीक्वेंस क्या होता होता है ठीक है ये क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछा जाता है हर साल आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट वे में पूछा जाएगा ऑप्शन यही होंगे तो रिसर्च में हम कौन से स्टेप को फॉलो करते हैं सबसे पहले हम लोगों के पास एक प्लान होना चाहिए ठीक है तो ये और ये ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए एक प्लान होना चाहिए कि हम किस पे रिसर्च करेंगे क्या क्या हम लोग स्टेप्स फॉलो करेंगे तो यहाँ पे राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर टू पहले प्लान होना चाहिए प्लान पे हम लोग एक्ट करना शुरू करेंगे फिर उस चीज़ को हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि यह प्लान काम कर रहा है या नहीं कर रहा है हमारे आइडियाज़ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं एंड उसका सॉल्यूशन है वो हमें उसका रिफ्लेक्शन दे देगा कि हमने सही काम किया या नहीं ठीक है तो इस सीक्वेंस को आपने याद रखना है तो यहाँ पे अभी देख सकते हो फोर फेजेस होते हैं प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट तो ये एक साइकिल की तरह काम करता है एंड ये सब चीजें एक्शन रिसर्च के अंदर होती हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर द मेन टास्क ऑफ रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी सो पहला ऑप्शन है टू कीप पेस विद एडवांसमेंट इन नॉलेज सो यहाँ पे मॉडर्न सोसाइटी के मेन टास्क बोले गए हैं रिसर्च से रिलेटेड ठीक है ज्ञान में उन्नति के साथ तालमेल रखना टू डिस्कवर न्यू थिंग्स नई चीजों की खोज के लिए टू राइट द क्रिटिक ऑन द अर्लियर राइटिंग्स जो पहले से लेखन लिखे गए हैं उनकी आलोचना करने के लिए सिस्टमैटिकली एग्जामिन एंड क्रिटिकली एनालाइज द इन्वेस्टिगेशन सोर्स विद ऑब्जेक्टिविटी सो सिस्टमैटिकली एग्जामिन करना है हमें किसी भी चीज के ऑब्जेक्टिव को सो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है ठीक है आप लोग देख सकते हो कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वन दैट इज फोर टू एंड वन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वन ऑफ द एम ऑफ साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च इज साइंटिफिक मेथड का मेन एम क्या होता है ये मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही आज बताया है इंप्रूव डेटा इंटरप्रिटेशन एलिमिनेट सुप्यूरियस यानी कि false relationship, दो के बीच में कोई फॉल्स रिलेशनशिप है उसको एलिमिनेट करना उसको हटा देना खत्म कर देना कन्फर्म ट्राइंगूस न्यू वेरिएबल्स तो साइंटिफिक मैथड की जहाँ पे भी हम बात करते हैं तो वहां पर हम लोग जो फॉल्स रिलेशनशिप है गलत चीजें जो है उनको पहले ही एलिमिनेट करने पर फोकस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाई सो एक रिसर्च की गहराई पर अगर हम लोग जाना चाहते हैं तो उसको कैसे जज करेंगे एक रिसर्च के टाइटल से रिसर्च के ऑब्जेक्टिव से टोटल एक्सपेंडिचर कितना हमने खर्च किया है ठीक है कितना खर्चा किया है रिसर्च पे उससे या फिर रिसर्च की ड्यूरेशन से बेसिक क्वेश्चन है तो यहाँ पे आंसर है रिसर्च का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है ठीक है प्रपोजल में अगर ऑब्जेक्टिव मेंशन किया होगा तो हम बता सकते हैं कि रिसर्च किसके बारे में है सो so, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन रिसर्च किसके द्वारा की जाती है हु हैज स्टडी रिसर्च मैथडलॉजी जिन्होंने रिसर्च मैथॉजी के बारे में पढ़ा है क्या वो रिसर्च करते हैं होल्ड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है कि वही रिसर्च कर सकते हैं प्रोजेसिस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी जो थिंक जो बहुत हाई लेवल पे सोच सकते अपनी सोच को साबित करने के लिए काम कर सकते हैं वो रिसर्च कर सकते हैं या फिर इस हार्डवर्कर जो मेहनती पर्सन होता है क्या वो रिसर्च कर सकते हैं बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है एंड इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री जिन लोगों की थिंकिंग एबिलिटी ज्यादा होती है किसी प्रॉब्लम में फंस के वो कंफ्यूज नहीं होते हैं उसे निकलने की एबिलिटी रखते हैं वो लोग अच्छी रिसर्च कर सकते हैं मेहनत का इसमें कोई लेना देना नहीं होता ठीक है मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है लेकिन पूरा हम इस पर फोकस नहीं रखते क्योंकि रिसर्च में हम लोगों को हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करना है ठीक so right है सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री सो so, आज के लिए सिर्फ इतना ही आज हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन शुरू किए हैं सो ये हमारी कंप्लीट लेक्चर सीरीज रहेगी एग्जाम तक जिसमें हम लोग धीरे धीरे हायर लेवल पे जाएंगे एक एक टॉपिक को हम लोग रिवीजन के थ्रू रिवीजन लेक्चर सीरीज के थ्रू कवर करेंगे सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है आप लोगों के लिए हेल्पफुल है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट पका दाल रखो गर्म होने आ गई मैं लगी है इस बेचारे को भूख बहुत जोर से